जय श्री राम सभी को, मैं हूं श्रीश, स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। मेरे पीछे जो है, मतलब मेरे सामने जो है, आप लोगों के पीछे जो है, अभी हुंडई वर्ना खड़ी हुई है। ये है 1.5 टर्बो वेरिएंट जो कि डीसीटी के साथ आता है, और इसकी आज हम करने वाले टेस्ट ड्राइव की, जो 1.6 पहले आया करता था और 1.5 भी जो है उसके कंपेरिजन में, क्योंकि डीजल तो देखो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अब जो डीजल वाला मज़ा है वो पेट्रोल के अंदर तो देखो नहीं मिलने वाला। हालांकि रिफाइंड पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन वाइब्रेशन जो डीजल वाली होती है ना, वो वर्ना के अंदर अब आपको नहीं मिलने वाली। हालांकि पावर के जहाँ पर पुल करता था, वो जिस तरीके से भागता था ना, उस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और देखो मैं तो पर्सनली वर्ना ओन नहीं करता, लेकिन जो मेरा दोस्त है 1.6 वर्ना ओन करता है ऑटोमेटिक, तो आज मैं नवदीप को ही साथ लेके आया हूँ कि भाई चल और बता चला के गाड़ी की 1.6 का मज़ा 1.5 टर्बो वेरिएंट जो पेट्रोल के अंदर आ रहा है उसमें है कि नहीं। तो आज हम चला के देखने वाले हैं, और हमारे साथ दो तीन जन और रहने वाले हैं, उन सबका भी जो रिएक्शन है वो नोटिस करके आपको बताएंगे, जिससे आप लोगों अगर प्लान कर रहे हो वरना, तो आपको एक क्लियर विजन मिल जाए कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो लुकिंग वाइज तो अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, तो भैया लुकिंग वाइज तो देखो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, और कई लोगों को जहाँ पर पीछे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि यार बैक गाड़ी का अलग कर दिया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन नहीं यार, देखो एक दो बार देखोगे ना, जब क्रेटा स्टार्टिंग में आई थी तो क्रेटा के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि यार लोग बाग थोड़ी सी क्या कम पसंद कर रहे थे कि यार डिज़ाइन थोड़ी समझ में नहीं आई, लेकिन यार धीरे धीरे क्या होता है, आँखों को वो चीज़ जचने लग जाती है। एस क्लास के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था, और मुझे तो पर्सनली देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। 1.5 की बैजिंग मिल जाती है रियर के अंदर, आपको जो है टर्बो 1.5 के अंदर रियर और फ्रंट दोनों के अंदर डिस्क देखने को मिलते हैं, रेड कैलिपर्स आपको आगे देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक बार ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन गाड़ी का लगता है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन गाड़ी का लग रहा है। फ्रंट से भी अगर बात करें ना, तो कनेक्टेड जो ये DRL है ना, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। फ्रंट में आपको ये इसके सेंसर मिल गए, एडास का रेडार आपको यहाँ पर मिल रहा है, और बोस के स्पीकर्स का तो भैया क्या ही कहना है भाई। ये देखो भाई, नवदीप भाई ने तो इसका पहले सेलेक्ट कर ली थी जब इसको स्पीकर सुना, भाई कैसा फील आ रहा है सबसे पहले तो ये बता। ये तो बहुत प्रीमियम आ रहा है, सब कुछ बहुत शानदार है, बस एक चीज की मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा है, स्टीयरिंग व्हील में। स्टीयरिंग व्हील पुरानी लेने के बाद में, हाँ कह सकते हैं स्टीयरिंग व्हील भी, फिर बट देखते हैं चला के कैसा क्या रेस्पॉन्स। और स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम तो हो भयंकर, तो स्पीकर सुन के तुमने सेलेक्ट कर दी थी गाड़ी ना। स्पीकर सुन के, स्पीकर का टाइम ना, तो गाड़ी ये, खैर ये तो DCT है, और 1.5 टर्बो के अंदर पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन हमको ज़्यादा 1.5 वाला जो नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड है, वाइट वाला इंटीरियर, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। सही है, ये वाली बातचीत चलाते हैं। गियर नॉब भी जो दे रखा है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने में लग रहा है। हाँ तो नवदीप, तेरे पास जो अभी है वो 1.6 ऑटोमेटिक ही है ना? हाँ भाई, तो उसके कंपेरिजन देखो आवाज़ तो बिल्कुल नहीं, एकदम साइलेंट है गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी भी है ना, वो डीजल है। भाई साहब पुल बहुत गजब है यार भाई। किंग भी पहले से इंप्रूव कर रही है पूरी, तो दोनों आगे पीछे डिस्क है, तेरी वाली में पीछे वो है ड्रम ब्रेक है, इसमें डिस्क भी है, इसमें हां इसमें डिस्क है। ब्रेकिंग तो इंप्रूव हो ही गई है, नई गाड़ी है तो। भाई साहब ये बढ़िया बताया, चिल्ड्रन बता दिया आंटी जी को। तो भाई इसमें एडेस आता है, एडेस आता है, ये भी बताएगी। हाँ बताएगी, वाह यार तो बहुत बढ़िया चीज है। तो जैसे गाने चल रहे हो तो गाने की वॉल्यूम खुद कम होता है, ये जो अभी हुआ ना वो वॉल्यूम, अगर गाड़ी अगर मैं डॉग क्रॉसिंग अहेड म्यूजिक को लो डाउन करके, नहीं नहीं ये बताया नहीं, तो श्री जी ने बताया, सामने टर्बो ही है, डिलीवरी हो गई ना गाड़ी हमारे यहाँ कल से, कल हाँ कल डिलीवरी हुई, हाँ माला वाला है ना, डिलीवरी भी हो गई इसमें, कल वाली है ये, कल वाली गाड़ी हमारी। नहीं अभी कितनी बुकिंग चल रही है इसमें?
इतनी बुकिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो 7-8 गाड़ियां ही आ रही है। अच्छा हाँ, टर्बो के अंदर अपना 2-3 महीने हम लेके चल रहे हैं। इसमें एक चीज ही बताओ मेरे को, जैसा भी मैंने स्पीड एकदम से उठाई थी, स्टीयरिंग एकदम से मतलब हैवी सा, थोड़ा अजीब सा हो गया था स्टीयरिंग, ऐसा क्यों? वो स्टीयरिंग हैवी हो गया था स्पीड के मुकाबले, मोड्स वगैरह के अकॉर्डिंग हो गया होगा। और अभी तो सुन, अभी 0.0 किलोमीटर, अरे नहीं सुन अभी तो रुक, अभी स्पोर्ट्स मोड भी है, अभी स्पोर्ट मोड, ये स्पोर्ट मोड कर दिया अभी मैंने, ये मैंने स्पोर्ट मोड कर दिया, रोड ही पूरी भरी हुई है। आप तू तू जो चला रहा था वो नॉर्मल मोड पे चला रहा था अभी, बस वो गियर शिफ्ट चेंज हो जाएगी और तो क्या। हां गियर शिफ्ट की आरपीएम जो है ना वो हाई आरपीएम पे चेंज करेगी, इससे पता चलता है। नहीं यार मजा आ रहा है, तो वो आरपीएम वो 160 बीएचपी ना। सस्पेंशन हार्ड है इसके, हार्ड तो रखनी पड़ेंगे ना, टर्बो इंजन है और फिर भी सेडान के हिसाब से कंफर्टेबल है। धीरे कर, वाह यार सुपर ब्रेकिंग है भाई, है ये देख इमरजेंसी ब्रेक, हाँ इमरजेंसी ब्रेक ये चालू हो गए भाई साहब। अरे पेडल शूटर्स का मजा आ गया मेरे को तो गाड़ी में, नहीं सस्पेंस, और देख गड्ढे में कितने प्यार से निकली, हो गया अब बेडरूम सही हो गया भाई, है बहुत सही हो गया स्पेस, ये आपके हिसाब से सेट हो गई है सीट। बाबा डार्लिंग आपके हिसाब से कर लो सीट एक बार एडजस्ट। हां ये अड़िया, हां सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है एकदम, अब भाई चला के देखेंगे। धीरे चलाना भाई थोड़ा सा, जो स्पोर्ट मोड पे है ना टर्बो की मोड कहां से चेंज होता है, भैया नहीं इसके एडेस में क्या क्या फीचर मिलते हैं? लेवल टू, ओके लेवल टू है इसमें, तो लेवल टू में क्या क्या है? बहुत सारे हैं, 15 फंक्शन आते हैं इसके अंदर। अच्छा 15 फंक्शन है, हाँ। हाँ, कोई कोलिजन वार्निंग वगैरह, हाँ, कोई कोलिजन वार्निंग 5 तरह के हो गए, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, जंक्शन टर्निंग एंड कार, कार का भी, ब्लाइंड स्पॉट, कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, नहीं नॉलेज बहुत अच्छी है भैया। लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, अभी वही 5.9 का एवरेज निकाल रही है, जब हम टेस्ट ड्राइव में भगा रहे हैं इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से भगा रहे हैं तब निकाल रही है। तो भैया कोई क्रॉसिंग वगैरह होती है उसमें बोल देती है चिल्ड्रन क्रॉसिंग, अब उससे कोई कहता नहीं कि क्रॉसिंग हो रही है, वही चिल्ड्रन क्रॉसिंग है क्या है, और हम ज्यादा फीचर बंद भी कर सकते हैं इसका। ये फोन तक कौन सा वाला, ये जो बोल रही है, ये बोलने वाला तो यार एक बार भैया मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, बट हां ये जो ये कोलिजन वाली फंक्शन है वो बंद कर सकते हैं, ये अभी लेन वाला चल रहा है क्योंकि लेन बहुत ही कर लेता है बार-बार, वो लेन वाला भी बंद कर सकते हैं। एक चीज बताओ, जैसे अभी बीएच में आप 2 साल का आरटीओ ले रहे हो, जनता देख रही है नई गाड़ी है ना, पहली बार हेड टर्नर है, वो थोड़ी डिजाइन डिजाइन स्टाइल बहुत अलग है। अभी क्रेटा लेके निकलेगा ना तो नहीं देखेंगे लोग, अभी तो मैं क्रेटा को बोल ही नहीं रहा हूँ, मत लो सर क्रेटा पे, मत जाओ दिमाग ही मत लगाओ उसको। ये आईवीटी कितने की आ रही है? आईवीटी आ रही है आपके SX आ रही है करीबन 19.5 की, जो अंदर वहाँ खड़ी है गेट पे ही खड़ी है। तो इसके अंदर मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, सबसे पहले अभी स्पोर्ट मोड पे गाड़ी लगी हुई है, सबसे पहले तो इसको इकोनॉमी मोड पे टेस्ट करते हैं, करते हैं इसको ड्राइव मोड पे, और ड्राइव मोड पे इसको जैसे कि अभी वहाँ पर लोग बाग आ रहे हैं, तो इसके अंदर इसकी वार्निंग दिखा दी पहले से कैमरे ने कि गाड़ी जो है आप मत लेफ्ट में लेना, क्योंकि ये जो है काफ़ी ध्यान रखा गया काफ़ी चीज़ों का, मतलब कन्वीनियंट ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट कर दिया कुल मिला के। हैं अच्छा वो सर से पूछ लेना एक बार, निमित सर से पूछ ली, मैं भी निमित सर से पूछ के रही थी, भाई जबकि मैंने ना रेस पूरी दबाई भी नहीं उसके बावजूद भी। ये है 1.5 टर्बो DCT गियरबॉक्स, और भाई साहब जो रिस्पांस है ना मतलब बहुत ही प्यारा, एडेस का रिस्पांस बताऊं तो एडेस का रिस्पांस भी बहुत ही ज्यादा गजब का है, स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज्यादा गजब है, मतलब ड्राइव क्वालिटी एक जो सेडान वाला पूरा चिपक के चलने वाला फील है ना भाई, पूरा खतरनाक फील है, गाड़ी लाइन नहीं छोड़ती, जो कट्स मारो इसके अंदर बहुत गजब के कट्स मारती है, हालांकि ज्यादा इसको मेन रोड वगैरह पे चला नहीं सकते क्योंकि गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एडेस का जो लेवल है बहुत ही ज्यादा गजब।
वेट कर सकते हैं, इसको सिटी मोड पे कर लेते हैं, नहीं तो रोती रहेगी भाई, ये गाड़ी बहुत गजब है। पढ़ना भी आगे चल रही है, पुराने वाली भी आगे चल रही है और नई वाली तो हमारे पास है। बहुत ही प्यार।